हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किए जाने वाले ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के लिए इच्छुक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स एवं रियल एस्टेट केंद्रित फंडों की तलाश के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आज मुंबई में आयोजित किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में आयोजित पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद आज मुंबई में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें डीएलएफ, बेस्टेक, गोदरेज, माय होम्स, मैक्स रियलिटी, भारतीय रियलिटी जैसे कई शीर्ष प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम, जो सरकार की एक नोडल एजेंसी के तत्वाधान में विकसित किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उनका विजन इस परियोजना को गुरुग्राम के केंद्रीय व्यापार जिले के रूप में विकसित करने का है, जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र और भावी उन्मुख उद्योगों, कई कार्बन हरित बुनियादी ढांचे, सुगम जीवन, लोगों को कौशल बनाने और रोजगार सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने की बात करते हुए कहा कि अद्वितीय आधुनिक शहरी पारिस्थितिकी तंत्र नई तकनीक और नवाचार उद्योग के लिए आधार के रूप में कार्य करेगा। जनता टीवी के लिए पवन सीवर की रिपोर्ट।